हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज के इस वीडियो में मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है डी स्कूलिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि डी स्कूलिंग सोसाइटी जो बुक है वो है इवान ई इलिच की, ये किताब है, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने डी स्कूलिंग वर्ड जो है वो क्वाइन किया था। क्या होता है डी स्कूलिंग? तो इन्होंने दो तरह से बताए हैं कि डी स्कूलिंग होता है। एक तो तब होता है जब एजुकेशन सिस्टम में, इवान इलिच कहते हैं कि जब सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, स्कूलों को छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये बताते हैं कि डी स्कूलिंग तब होता है जब होम स्कूलिंग की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इवान ई इलिच ने डी स्कूलिंग कॉन्सेप्ट दो तरह से एक्सप्लेन किया है कि लोग स्कूल छोड़ने के लिए दो बार मजबूर हो जाते हैं। एक तो तब जब होम स्कूल की तरफ लोगों का ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, और दूसरा तब जब एजुकेशन सिस्टम में सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक, किसी तो लोग क्या करेंगे, स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और थिंकर है जॉन हॉल्ट, जिन्होंने अलग तरह से डी स्कूलिंग को समझाया है। वो कहते हैं कि जब व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा, जब इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आ जाते हैं कि आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो या स्कूल जा करके पढ़ना चाहते हो, तब भी कई लोग जो होते हैं स्कूल को छोड़ देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डी स्कूलिंग सोसाइटी, डी स्कूलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान ई इलिच की किताब है। मैंने आप लोगों को दो थिंकर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए हैं, एक जॉन हॉल्ट और दूसरा इवान इलिच, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा ये वीडियो आप पक्के से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और है कि आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा चाहते हैं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझा दी, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, और लाइक जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर जरूर से कीजिएगा।